हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लाइव टॉक दुबई चैनल। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर्स को दुबई में जॉब ऑफर लेटर मिला और उसने कहा गया कि आपको प्री मेडिकल के लिए 1000 दिरहम पे करना होगा और ये भी कहा गया है कि 1000 दिरहम रिफंड भी मिलेगा आपको। लेकिन कब मिलेगा? आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर प्रोबेशन पीरियड प्री मेडिकल फीस विल बी रिफंडेड। तो मतलब इसका मतलब है सफलपूर्वक जब आप अपना प्रोबेशन पीरियड पूरा करेंगे तो प्रोबेशन पीरियड पूरा करने के बाद ही आपका 1000 दिरहम जो प्री मेडिकल फीस रिफंड किया जाएगा। क्यों प्री मेडिकल के लिए आप पैसा पे करेंगे? देखिए, दुबई में किसी कंपनी में अगर आपको जॉब मिल जाती है तो जॉब मिलने के बाद आपके नाम एक MOL का ऑफर लेटर इशू होता है। देखिए, पहले तो कंपनी की तरफ से एक ऑफर लेटर मिलता है, कंपनी का ऑफर लेटर, उसके बाद MOL ऑफर लेटर आपको मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, जो 5 to 6 पेज का होता है, इंग्लिश और अरबिक में लिखा रहता है। तो MOL का ऑफर लेटर जब आप साइन करके कंपनी का वापस करने के बाद आपके नाम एक वर्क वीज़ा इशू होता है, ई वर्क वीज़ा, जिसको पेपर वर्क वीज़ा कहा जाता है, जिसका वैलिडिटी 60 डेज का होता है। कि 60 डेज के बीच आपका मेडिकल होता है और मेडिकल का सारा खर्चा कंपनी उठाता है, वीज़ा का खर्चा, मेडिकल का खर्चा, पूरा खर्चा कंपनी उठाता है। इसके लिए आप एक पैसा पे नहीं करेंगे किसी को, ये तो मार्केट से पैसा उठाने का एक तरीका है, मतलब ये बिजनेस है, ये फ्रॉड है, ये जो ऑफर लेटर ये फ्रॉड है। देखिए, इसमें क्या लिखा गया है, यू विल बी प्रोवाइडेड विथ ए वीज़ा बाई कंपनी, देयर इज एन अनदर विटामिन टेस्ट व्हिच विल बी डन आफ्टर यू विल गेट वीज़ा। देखिए, जो ओरिजिनल जो मेडिकल होता है, जब आपके नाम वीज़ा इशू होता है, वर्क वीज़ा, जो ई वर्क वीज़ा, जिसका वैलिडिटी 60 डेज होता है, तो उसके बाद ही आपका मेडिकल होता है। लेकिन प्री मेडिकल क्यों भाई? ये तो पैसा उठाने का चक्कर है, मतलब प्री मेडिकल ये क्या है? 1000 दिरहम क्यों पे करेंगे आप? और इसमें क्या शर्त रखा गया है कि सफलपूर्वक जब आप अपना प्रोबेशन पीरियड पूरा करेंगे तो उसके बाद ही आपका पैसा रिफंड किया जाएगा। तो आप सफलपूर्वक पूरा कर पाएंगे या नहीं, इसका गारंटी क्या है? मतलब देखिए, कोई ना कोई कमी ये लोग बोलेंगे आप, मतलब कोई ना कोई कमी है आपका। और प्रोबेशन पीरियड कितना दिन का रखा है? 3 मंथ का है। हाँ, 3 मंथ का तो प्रोबेशन पीरियड होता है। देखिए, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, इस कंपनी का भी प्रोबेशन पीरियड 3 मंथ का, लेकिन कंपनी मेडिकल के लिए एक पैसा नहीं लिया, कंपनी वीज़ा के लिए एक पैसा नहीं लिया। नॉर्मली मैक्सिमम कंपनी का होता है 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड, 3 मंथ का भी होता है। लेकिन ये यहाँ पर क्या मतलब ऑफर लेटर में लिखा है कि 1000 दिरहम प्री मेडिकल के लिए चाहिए, तो ये तो पूरा फ्रॉड है। देखिए, ये भी हो सकता है, इन्होंने क्या रखा, इन्होंने 3 मंथ का प्रोविजन पीरियड रखा है, तो आप 3 महीना विजिट वीज़ा पर यहाँ पर आएंगे, आने के बाद मतलब ये लोग क्या करेंगे ना, ये लोग विजिट वीज़ा पर आपको काम करवाएंगे, आपका 3 मंथ ये बोलेंगे कि आप इस जॉब के लिए काबिल नहीं है, मतलब कोई ना कोई कमी है, और आपका विजिट वीज़ा यूज़ कर लेंगे ये लोग। ये भी मतलब कुछ लोग, कुछ कंपनी ऐसा भी कर रहा है, तो किसी के मतलब किसी का ना सुने, किसी के चक्कर में ना आए। अगर आपसे कोई ये कह रहे कि प्री मेडिकल के लिए 1000 दिरहम चाहिए, 500 दिरहम चाहिए, मेडिकल के लिए इतने पैसे चाहिए, वीज़ा के लिए इतने पैसे चाहिए, भाई किसी को एक फुटी करिए, एक पैसा पे ना करें। कि दुबई में जो मेडिकल होता है, मेडिकल का सारा खर्चा कंपनी उठाता है, वीज़ा का सारा खर्चा कंपनी उठाता है। देखिए, मेडिकल तब होंगे जब आपका वर्क वीज़ा का प्रोसेस लग जाएगा, ई वर्क वीज़ा जब आपको मिल जाएगा। ई वर्क वीज़ा मतलब पेपर वर्क वीज़ा, जिसका वैलिडिटी 60 डेज का होता है। तो जब आपको पेपर वर्क वीज़ा मिल जाएगा तब आपका मेडिकल होंगे, उससे पहले नहीं। तो कोई आपसे अगर ये कह रहे कि मेडिकल के लिए इतना पैसा दो, प्री मेडिकल क्या है भाई, क्या प्री मेडिकल क्या है, किसी को एक पैसा ना दे, तो ये मतलब ये सब लोग मार्केट से पैसा उठा रहे हैं। मार्केट से पैसा उठाने का तरीका है ये, कुछ एजेंट कुछ कंपनी ऐसा पैसा उठा रहा है, तो किसी को स्पेस नहीं देना है भाई। तो मैं आशा करूँगा आप समझ गए होंगे, तो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर किसी को इस तरह का कोई ऑफर लेटर मिला है भाई, मतलब अवॉइड करें इसको, ये फ्रॉड है। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ।